कहन राज को करन मन करो महान यह का आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सा मंगलमय मंगल सूत्र चैतन्य स्वभाव प्रकरण एक मंगल सूत्र मंगलाति इति मंगलम मंग प्लस गल इज इक्वल टू मंगल जो पाप को गलाता है और मंग प्लस ल इज इक्वल टू मंगल जो सुख को लाता है। चैतन्य स्वरूप ही पाप को गलाने वाली और सुख तक पहुंचाने वाली एकमात्र डोरी है। हाँ, यह वही चैतन्य स्वरूप है जिसे समझे बिना इस जीव ने भूतकाल में पर्याय में अनंत दुख भोगे हैं। चैतन्य स्वरूपी निज शुद्धात्मा के आश्रय से पाप ही नहीं पुण्य कर्म भी गल जाते हैं, समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। अतः चैतन्य स्वरूपी निज शुद्धात्मा ही वास्तविक मंगल सूत्र है। जब जीव चैतन्य स्वरूपी निज शुद्धात्मा को पर्याय में अनुभव करता है तब वह मंगल सूत्र को पर्याय में धारण करता है। जिस पर्याय में चैतन्य स्वरूपी मंगल सूत्र को धारण किया है वास्तव में वही पर्याय अखंड सौभाग्यवती है। आत्मा को चैतन्य मात्र या ज्ञान मात्र कहा है। यद्यपि आत्मा में ज्ञान के अतिरिक्त अनंत गुण है, आत्मा अनंत गुणाधिपति है, लेकिन उन समस्त गुणों की पहचान कराने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान से ही स्व और पर की पहचान होती है। अतः ज्ञान की मुख्यता से भगवान आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत निरंतर नित्य जानने रूप परिणमित तो होते हुए भी अपने जान पने में चैतन्य पने में स्थित है। मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं स्वभाव में स्थित हूं। जैसे आम का रस कांच के गिलास से चांदी के गिलास में और चांदी के गिलास से सोने के गिलास में बदलता होने पर भी आम का रस कदापि मौसम्बी के रस रूप परिणमित नहीं हो जाता है, ऐसे ही आत्मा में प्रति समय जानना जानना यह परिणमन निरंतर चल ही रहा है और इस जानने जानने रूप परिणमन में भी
चैतन्य पना तो टिका हुआ ही रहता है, ज्ञान प्रति समय जानने जानने रूप परिणमित होकर भी रागादि भाव रूप परिणमित नहीं होता है। अतः साधक को प्रत्येक ज्ञेय को जानते समय स्वयं की चैतन्य सत्ता की जागृति बनी रहे। जैसे कुएं में पानी कहीं बाहर से नहीं आता है, पानी पहले भी था, सिर्फ मिट्टी पत्थर का आवरण हटने पर पानी व्यक्त दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मानुभूति के काल में चैतन्य स्वभाव का जन्म नहीं होता। ज्ञान तो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है, सिर्फ विकल्प का आवरण हटने पर, निर्विकल्प आत्मानुभूति होने पर वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। जैसे किसी दर्पण में कमरे की एक दीवार प्रतिबिंबित होती हो और फिर वह दर्पण दूसरी दीवार की ओर पलट जाए तो वह दर्पण फूट नहीं जाता, यहां तक कि कमरे की चारों दीवारें दर्पण में प्रतिबिंबित होती है परंतु वे दीवारें दर्पण में प्रविष्ट नहीं हो जाती है। ऐसे ही यह मनुष्य के शरीर रूपी राग की दीवार से आत्मा का ज्ञान दर्पण देह परिवर्तन होने के बाद देव के शरीर रूपी दीवार की ओर पलट जाए तो ज्ञान दर्पण नष्ट नहीं हो जाता और देव के शरीर रूपी दीवार ज्ञान दर्पण में मिल नहीं जाती। हे चैतन्य परमात्मा, चारों गतियों के देह रूपी दीवारें ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होने पर भी ज्ञान दर्पण निर्लेप एवं निराला ही रहता है। देह रूपी दीवारें ही नहीं, जिनका प्रति समय उत्पाद व्यय होता है, ऐसे रागादि विकल्प भी ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं परंतु वे भी ज्ञान दर्पण में प्रविष्ट नहीं होते हैं। चैतन्य तत्व निराला और न्यारा है। जैसे हम आम खरीदते वक्त आम के छिलके और गुठली के भी पैसे चुकाते हैं परंतु जब आम खाते हैं तब आम का छिलका और गुठली दोनों को निकालकर आम से अलग कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि छिलका भी आम नहीं है और गुठली भी आम नहीं है। ऐसे ही आत्मा शरीर और रागादि भाव के साथ होने पर भी आत्मानुभव में शरीर भी आत्मा नहीं है और रागादि भाव भी आत्मा नहीं है। जैसे हमें छिलका बाहर से दिखता है परंतु गुठली नहीं, ऐसे ही हमें शरीर तो बाहर से दिखता दिखाई देता है परंतु रागादि भाव नहीं। जैसे छिलके और गुठली के अतिरिक्त जो असली आम है वही मीठे रस से परिपूर्ण है, ऐसे ही चैतन्य परमात्मा ज्ञान और आनंद के रस से परिपूर्ण है। चैतन्य का रसपान किए बिना रसनेन्द्रिय तो क्या, किसी भी इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं हो सकता। जैसे लोक में
कुछ लोगों को छिलके और गुठली चुसने में ही अधिक मजा आता है, ऐसे ही अज्ञानी जनों को शरीर और रागादि भावों में ही सुख बुद्धि होती है। वे चैतन्य रसपान करने से वंचित रह जाते हैं। चैतन्य की अनुभूति होने से ज्ञानी सदाकाल अस्थि की मस्ती में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में चैतन्य की धारा बहती ही रहती है। चैतन्य में सुख है ऐसा नहीं, मैं स्वयं सुख हूं। उन्हें कदाचित दुख भी जानने में आए तो भी चैतन्य रस का अनुभव होता है, दुख को जानकर भी चैतन्य रस की जागृति से ज्ञानी सुखी है। हे चैतन्य परमात्मा, तेल रूपी छिलके और रागादि भाव रूपी गुठली को चुसते चुसते तो अनंत काल बीत गया, अब तो चैतन्य तत्व के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। विराट अस्तित्ववान मंगल सूत्र ही मंगल सूत्र, कहां पर्वत जैसा विराट अस्तित्ववान सिद्ध समान यह भगवान आत्मा, और कहां छोटा सा कण जैसी मिथ्यात्व की एक समय की पर्याय। भगवान आत्मा को पर्वत जैसा विराट अस्तित्ववान कहने का प्रयोजन यह है कि अनादि काल से पुरुषार्थ की कमजोरी होने पर भी आत्मा का व्यय नहीं हुआ, परंतु एक समय के सत्य पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का व्यय हो जाता है। यही कारण है कि मिथ्यात्व को रजगण की उपमा दी है। अहो, एक मिथ्यात्व नामक छोटा सा रजगण पर्वत जैसे विराट अस्तित्ववान भगवान आत्मा के दर्शन में बाधक होता है। सच ही है, यदि छोटा सा रजगण आंख में गिर जाए और सामने विराट पर्वत हो तो भी हमें नहीं दिखता है। हे चैतन्य प्रभु, अनंत काल सोता रहा, अब तो प्रति समय जागृति रहे कि यह जो जानने रूप प्रकाशित हो रही है वह चैतन्य ज्योति ही तो है। यही मैं। आत्मा शरीर में है और आत्मा में राग द्वेष के भाव है। समझने योग्य खास बात यह है कि आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर से भी जुदा है, और आत्मा में जो राग द्वेष के भाव है उन भावों से भी आत्मा जुदा है। शरीर से जुदा है अर्थात संयोग से जुदा है, राग द्वेष के भावों से जुदा है अर्थात संयोगी भावों से जुदा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता और पुत्र से जुदा होता है। पिता का अपनापन छोड़ना आसान है, पुत्र का नहीं। अज्ञानी इस सत्य को सुन लेता है कि शरीर मेरा नहीं है, परंतु यह सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि राग द्वेष के भाव भी मेरे नहीं है। अरे प्रभु, कुछ वर्षों तक आत्मा के साथ रहने वाला यह शरीर भी जब मेरा नहीं है
तब एक समय से अधिक जिसका अस्तित्व नहीं है ऐसा राग का भाव मेरा कैसे हो सकता है। परंतु राग का भाव आत्मा में से जन्म लेने वाला बेटा है ना, इसलिए राग में से अपनापन छूटना तो दूर, वह भाव अपना नहीं है यह सुनना भी रुचिकर नहीं लगता। बाप की तरह बेटा भी पराया है, इस सत्य का स्वीकार होने पर ही मंगल यात्रा सफल हो सकती है। प्रति समय जागृति रहे कि राग का निज आत्मा में प्रवेश ही नहीं है, अतः मैं परमात्मा हूं, राग का किसी भी आत्मा में प्रवेश नहीं है, अतः प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। देह संयोग है, राग संयोगी भाव है। संयोग एवं संयोगी भाव से भिन्न होना प्रत्येक आत्मा का त्रिकाल द्रव्य स्वभाव है। जब यह द्रव्य स्वभाव पर्याय में व्यक्त होता है, अर्थात जब आत्मा संयोगी भाव रहित होता है, तब अरिहंत अवस्था प्रकट होती है। और जब देह के संयोग रहित होता है, तब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। हे जीव, एक क्षण के लिए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शीतल स्वभावी पानी को सदा काल के लिए उष्ण नहीं रखा जा सकता। यदि हमेशा के लिए पानी को गर्म रखने के लिए आग पर रखेंगे तो पानी ही नहीं रहेगा। चैतन्य स्वभावी आत्मा परभाव में हमेशा के लिए कैसे रह सकता है? स्वभाव में स्थिर होना ही होगा। रविवार से शनिवार तक 7 दिन में भी 7 राजू कैसे पार करना? अरे 7 राजू पार करने के लिए 7 दिन नहीं लगते हैं। कोई भी दिन हो, एक ही समय में जीव 7 राजू पार करता है। रवि अर्थात सूर्य के समान ज्ञान ज्योतिर्मय, सौ अर्थात चंद्र के समान शांत शीतल, पाप को गलाने वाला और सुख को लाने वाला मंगल सूत्र, शुद्ध बुद्ध दुर्लभ भगवान आत्मा का अनुभव हुआ तब ही गुरु का वास्तविक शुक्रिया अदा किया और संसार चक्र की अनादिकालीन शनि की मनोदी दूर हुई।